उत्तर प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में सोमवार 8 जुलाई से टीचर्स और छात्रों के लिए ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य कर दी गई है। यानी कि सब लोग 8 बजे से पहले स्कूल पहुंचकर स्कूल में अपनी सेल्फी लें और ऐप पर भेज दें, नहीं तो एब्सेंट माना जाएगा और सैलरी कटेगी। इसी तरह हर छात्र की फोटो भी खींचकर ऐप पर भेजी जाएगी। अब इसी बात पर मां साहब लोग बवाल काटे हुए हैं। सब कह रहे हैं कि बारिश में दूर दराज के गाँव में स्कूल और रास्तों की हालत खराब है, सड़कें बारिश में बह गई हैं, सैकड़ों स्कूलों में पानी भरा हुआ है, रास्ते चौपट हो चुके हैं। ऐसे में अटेंडेंट का ये तरीका तुगलकी फरमान जैसा है। ये मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद राजीव राय भी अब प्राइमरी टीचर्स के समर्थन में खुलकर आ गए हैं। सोशल मीडिया साइट एक्स पर राजीव राय लिखते हैं, माननीय मुख्यमंत्री @योगी आदित्यनाथ जी, आपके अधिकारी मोटे कमीशन के लिए अनावश्यक सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप को सैकड़ों करोड़ में खरीद कर बेसिक शिक्षा परिषद और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शिक्षकों को पढ़ाई के अलावा अन्य कार्य करने पर मजबूर करते हैं, दिन भर मोबाइल फोन के ऐप में व्यस्त रखते हैं। आप पता करिएगा, जितने में ये सॉफ्टवेयर और ऐप खरीदे गए हैं उतने पैसे में सभी स्कूलों में फर्नीचर, कंप्यूटर लैब और अंग्रेजी सहित अन्य एक्सपर्ट टीचर्स रख के बच्चों को प्राइवेट स्कूल से ज्यादा अच्छी शिक्षा दे सकते थे। और हाँ, इन अधिकारियों को बोलिए कि पहले सभी घूसखोर विभागों में सबके लिए ऑनलाइन अटेंडेंस अनिवार्य करें, उसके बाद बारिश के मौसम में सुदूर गांवों में पढ़ाने वाले शिक्षकों पर लागू करें। मां साहब लोगों की बात ठीक भी है। बड़े बड़े डायरेक्टर, सचिव, प्रमुख सचिव लोग तो सिर्फ फरमान जारी कर देते हैं। उन्हें क्या पता कि धरातल पर क्या हालात हैं और मां साहब लोग, खासकर लेडीज टीचर्स को किन मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। मैम, क्या नाम है आपका? मैम, आपका नाम क्या है? सानम। कौन से स्कूल में टीचर है आप? पीएस रायपुरा में। और मैम आप कहाँ? राशिदा बेगम, पीएस रायपुरा। मैम, मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम अमरीन है। अमरीन, पीएस रायपुरा में। और आज हाजिरी के पहले दिन ही? आज पहला ही दिन है अटेंडेंस का, डिजिटल अटेंडेंस का। अब तेज बारिश हो रही है और ये रिक्शा पूरी तरह से पलट गया, बहुत तेजी में था, पूरी तरह से पलट गया। तीनों महिलाओं का बहुत तगड़ा एक्सीडेंट हुआ है गड्ढे में आने से। हाँ, बारिश में पानी भरा हुआ था जिसकी वजह से रिक्शा जो है वो रिक्शा पलट गया। मां साहब लोग गुस्से में हैं और आज सब मिलकर #BoycottOnlineHaziriTrend करवा दिए हैं। साथ ही हजारों टीचर्स ने अपने साथ पेश आ रहे मुश्किल हालात की फोटोज भी सोशल मीडिया पर पोस्ट करनी शुरू कर दी है। किसी ने बाढ़ में डूबे स्कूल की फोटो पोस्ट की तो कोई खराब रास्ते की फोटो शेयर कर रहा है। टीचर्स का कहना है कि पहले से आदेश 15 जुलाई से लागू होना था, लेकिन अब इसे एक हफ्ते पहले 8 जुलाई से ही लागू कर दिया गया, जो कि कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। टीचर्स एसोसिएशन से जुड़े लोगों ने इस फरमान के खिलाफ हर जिले में जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी। हालांकि सरकार ने अब ऑनलाइन अटेंडेंस में आधे घंटे की छूट दी है, यानी कि 8 बजे की जगह अब 8:30 बजे तक अटेंडेंस लगाई जा सकेगी। फिलहाल सरकार अपने फैसले से पीछे हटने को तैयार नहीं है और प्राइमरी टीचर्स ऑनलाइन अटेंडेंट के फरमान का पालन करने को तैयार नहीं है, यानी कि ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी।